हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएमपी के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से फ्री में एसएमपी बना सकते हो गाइस, वो भी मोबाइल के अंदर। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखना गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइस पहले तो बात आती है एसएमपी का फुल फॉर्म होता क्या है। सो एसएमपी का फुल फॉर्म होता है सर्वाइवल मल्टीप्लेयर गाइस, बस इतना ही फुल फॉर्म है। और गाइस कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर्वर और एसएमपी कुछ अलग है क्या। यार कुछ अलग नहीं होता है गाइस, कुछ लोग उसको एसएमपी बोल लेते हैं, कुछ लोग उसको सर्वर बोल लेते हैं। सर्वर मतलब क्या है, एक मीडियम है और आप इस मीडियम का यूज़ करके जो है बहुत सारे फ्रेंड्स साथ में मिलकर माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं गाइस, मतलब फुल ऑन तबाही मचा सकते हैं। बट गाइस इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में आपको वही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला गाइस और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई सर्वर बनाने में। ठीक है, सो जिनको भी पता है गाइस एटनोस से सर्वर किस तरह से बनाते हैं वो भी वीडियो देखना गाइस, क्योंकि मैं आज जो है आपको कुछ सीक्रेट सेटिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अभी मैं सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर देता हूँ गाइस, बट उससे पहले गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है, सो चलो गाइस अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है एट्रेनोस। तो जैसे आप एट्रेनोस लिख दोगे ना गाइस तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे देखो एट्रेनोस की स्पेलिंग आपको दिख रही होगी, इसको बस आपको सर्च करना है। तो आप जैसे ही इस पेज पे आ जाओगे आपको यहाँ पे देखो साइन अप का एक ऑप्शन दिखेगा या लॉगिन का। तो अगर आपके पास पहले से इसका अकाउंट है तो आप जो इसमें लॉगिन भी कर सकते हो, या फिर आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो या फेसबुक से भी कर सकते हो। ठीक है, बट आप जो है यहाँ पे साइन अप करने के लिए आप जो है आपका खुद का यूजर नेम भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए मैंने जो है अभी साइन अप पे क्लिक कर दिया। देखो अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है गाइस, चूज योर यूजर नेम। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है कोई भी यूजर नेम यूज कर सकते हो गाइस, बट ये यूजर नेम जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, आपको इस यूजर नेम को याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्काई नाम लिख दिया गाइस और आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना है। बट यहाँ पे नाम जो है 4 कैरेक्टर का बोल रहा है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉप्स स्काई दे देता हूँ गाइस। ठीक है, देखो मैंने नाम चेंज कर दिया है इस तरह से। देखो अभी, देखो अभी ये बिल्कुल करेक्टली हो रहा है गाइस। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है गाइस। तो पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो गाइस, बट आपको याद रहना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। और मेल आईडी इसलिए है गाइस क्योंकि अगर आप पासवर्ड कभी भूल गए ना तो आप उसको फॉरगेट कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो आप जो है उसको चेंज भी कर सकते हो, इसलिए आपको ईमेल आईडी है वो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया है, अभी फटाफट से साइन अप पे क्लिक कर देना है आपको। तो अभी ये थोड़ा लोड लेगा गाइस साइन अप होने के लिए, तो हो जा भाई। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको ये ऐड पूछेगा, तो ये ऐड को जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर देना, 2 ऐड होते हैं तो इसको आप जो है एकदम स्किप कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप वहाँ पे स्किप कर दोगे उसको, तो आपको जो है इस तरह से एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्रिएट द सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। अभी मेरा अकाउंट लॉग इन हो चुका है, तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट सर्वर पे क्लिक करता हूँ गाइस, ये देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछता है गाइस मुझे, जावा एडिशन के लिए और बेडरॉक एडिशन के लिए। तो आपको जिसमें भी सर्वर बनाना है उस पर बस आपको क्लिक कर देना है। अभी तो मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ इसलिए मैं जो है बेडरॉक एडिशन सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं जो है अभी बेडरॉक एडिशन को सेलेक्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे देखो इस तरह से आपको ऑप्शन खुलेगा गाइस, आप यहाँ से सर्वर को स्टार्ट भी कर सकते हो। अभी देखो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस शेयर योर वॉलेट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है गाइस, इससे जो है आप सर्वर को शेयर कर सकते हो, मतलब आप किसी को भी इन्वाइट कर सकते हो एज अ यूआरएल। तो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और आपका जो भी दोस्त है उसको शेयर कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। मैं इसको एक जगह पे कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को, और इसको कॉपी करने के बाद आपको बस माइनक्राफ्ट के अंदर ओपन करना है, या फिर आप जो ये पोर्ट एड्रेस जो है आप उसको शेयर कर सकते हो, उसी तरह से भी वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे जो है यूआरएल को कॉपी कर दिया गाइस। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ गाइस, ये देखो ओपन पे जैसे क्लिक करता हूँ ये थोड़ा लोड लेता है गाइस, और डायरेक्टली ये कहाँ पे ओपन होता है, माइनक्राफ्ट के अंदर। ठीक है, देखो ये देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ओपन हो चुका है गाइस। अब देखो यहाँ पे सेटिंग में माइनक्राफ्ट आ जाएगा, देखो इस तरह से माइनक्राफ्ट के अंदर ओपन हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अभी डायरेक्टली जाना है सर्वर के अंदर, और सर्वर के अंदर आपको जो है ये यूजर नेम वाला सर्वर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे हम। अभी आते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के ऊपर। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूआरएल किस तरह से शेयर करना है, और देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वर्जन का। तो आप जो यहाँ पे वर्जन भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी वर्जन में खेलना है ना गाइस उसमें आप खेल सकते हो। बट याद रखना जिसको भी वर्जन के अंदर खेलना है, मतलब जिसको भी सर्वर के अंदर खेलना है ना गाइस, उनके पास सेम वर्जन का माइनक्राफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है गाइस। तो लेटेस्ट वर्जन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, सबके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे सर्वर तो हमने बना लिया, अभी आते हैं गाइस एक और इंपॉर्टेंट इस पे, तो ये है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सर्वर, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना गाइस, तो यहाँ से आपको लोड लेगा थोड़ा। ठीक है, जल्दी लोड हो जा भाई। ओके यार टाइम लेता है ये लोड होने में। ओके गाइस देखो जैसे ये लोड हो जाएगा ना, आप यहाँ पे
सर्वर की स्लॉट लिमिट भी बढ़ा सकते हो, गेम मोड को चेंज कर सकते हो, डिफिकल्टी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्हाइट लिस्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइस। ये सिर्फ क्या करता है, आपको सिर्फ सेलेक्टेड बंदों को जो है वही अलाउ कर सकता है ये व्हाइट लिस्ट, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से सर्वर के अंदर जो है आप बंदों को ऐड कर सकते हो, ठीक है, व्हाइट लिस्ट के यूज करके, ठीक है। आप यहाँ पे क्रैक का भी यूज कर सकते हो, अलाउ चीट्स अगर आपको ऑन रखना है तो रख सकते हो, ठीक है, और रिसोर्स पैक को भी आप जो है रिक्वायर्ड कर सकते हो, बट यार मैं कहता हूँ मत करो, क्योंकि इससे जो है गेम थोड़ा लैग होता है, ठीक है, तो ये मत यूज करना। अगर करना है तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है तो बिल्कुल लैग नहीं करता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ये टाइम जोन चेंज मत करना, ये जो डिफॉल्ट है उसको ही रहने देना, ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं हम कुछ और सेटिंग्स के ऊपर। तो आपको जो थ्री लाइन दिख रहे हैं ना गाइस, यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है आप सर्वर का नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर मान लो आपको URL चेंज करना है तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गाइस, और नीचे जो है नाम भी उसका चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको लाइन दिख रही है गाइस, सबके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस। अभी मैं एक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। देखो एक्सेस वो होता है गाइस, जिसको भी आप एक्सेस दोगे ना गाइस, तो वो जो है सर्वर को स्टार्ट भी कर सकता है या ऑफ भी कर सकता है। तो बस आपको यहाँ पे जो है उसकी एटरनॉस की आईडी लिखना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई वो हमारी गेम अटैक तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये एटरनॉस आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जो एटरनॉस की आईडी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो आकाश कॉस्ट मेरा एटरनॉस की आईडी है गाइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरे को ऑप्शन पूछता है गाइस कि मुझे कौन कौन से एक्सेस इसको देना है, तो मैं जो है यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसको मैं एक्सेस दे सकता हूँ। देखो अभी ये एक्सेस मेरे को दिया गया गाइस, तो मेरे को जो है वो सर्वर दिख जाएगा। जैसे मैं एटरनॉस लॉग इन करूँगा ना, तो मेरे को वो सर्वर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इंटरफेस पे आ चुका हूँ। ओके वेट करते हैं अभी इसको। ओके देखो इस तरह से आपका अगर सर्वर ऑफ है तो इस तरह से आपको रेड कलर से वो इंडिकेट करेगा, और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपको मैक्सिमम 1 मिनट लेता है गाइस स्टार्ट होने में, 1 मिनट के बाद सर्वर स्टार्ट हो जाता है। और गाइस इसकी एक खास बात होती है गाइस, ये जो सर्वर है ये 24 आवर्स तक ऑनलाइन रह सकता है। बस एक ही शर्त है, जो भी प्लेयर इसके अंदर खेल रहे हैं ना गाइस वो ऑनलाइन होना चाहिए। बस एक भी प्लेयर ऑनलाइन रहेगा ना गाइस तो सर्वर कभी ऑफ नहीं होता है, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेयर के बारे में, यहाँ पे जो आपको प्लेयर नाम का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, उसका क्या यूज है। तो जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो ना गाइस, ये आपको एक नए इंटरफेस पे लेके जाता है, तो मैं इसको अभी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस देखो इस ऑप्शन पे आप आ जाओगे, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, व्हाइट लिस्ट का और ऑपरेटर का। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि व्हाइट लिस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था गाइस, व्हाइट लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिसका भी नाम यहाँ पे लिख दोगे ना गाइस, सिर्फ वही सर्वर के अंदर ज्वाइन हो सकता है, एज ए इनवाइट कर सकते हो उसको, ठीक है। बट यहाँ पे आपको गेमर टैग लिखना है, ठीक है, एटरनॉस आईडी नहीं लिखनी है। सो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ऑपरेटर का मतलब ये होता है गाइस जो कि सर्वर को ऑपरेट करेगा, उसके पास सभी एक्सेस होते हैं गाइस, सर्वर को स्टार्ट करना, रिसेट करना, फिर कमांड देना, बोल सकते हो डे नाइट करना, क्रिएटिव करना, ये सब चीज़ें जो है वो ऑपरेटर कर सकता है गाइस। तो आपको जिसको भी ऑपरेटर बनाना है उसका गेमर टैग यहाँ पे लिख देना है गाइस, बाकी सब में आपको गेमर टैग यूज करना है, ठीक है। इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन कर देना। तो गाइस अभी आते हैं नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। ये सब सेटिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक धीमे धीमे जो है हम सभी सेटिंग्स को देखेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्ल्ड नाम का ऑप्शन क्या करता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो गाइस, आप जो है किसी भी वर्ल्ड को इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब मान लो आपका सर्वर वर्ल्ड है, तो आपको अगर सर्वर के अंदर लेना है तो आप उसको भी ले सकते हो। बस गाइस आपके पास वो फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस अभी चलते हैं बैकअप के ऊपर, क्योंकि बैकअप भी बहुत जरूरी होता है ना गाइस आपको वर्ल्ड वापस लेने के लिए। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल ड्राइव से उसको लिंक कर देना गाइस, तो आप जो है जो भी आपके सर्वर में काम हुआ है ना गाइस उसको आप रिस्टोर कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैंने बता दिया कि आप जो है यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। अभी चलते हैं गाइस कंसोल के ऊपर। कंसोल का मतलब क्या होता है गाइस, आप वहाँ से किसी को भी कमांड दे सकते हो। कीप इन्वेंटरी की कमांड हो गई, बैन की कमांड हो गई, शो कोऑर्डिनेट्स की कमांड हो गई गाइस। जब आप सर्वर बनाओगे ना तो आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एनेबल नहीं मिलेंगे गाइस, आपको जो है कमांड देनी पड़ेगी। तो अगर आपको कमांड पता नहीं है गाइस तो मुझे कमांड बता देना, तो मैं आपको एक वीडियो में सभी कमांड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको कंसोल का यूज़ करके दिखा देता हूँ। बट याद रखना, कंसोल का यूज जो है बस आप सर्वर जब ऑनलाइन होता है ना तभी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सर्वर ऑफलाइन बोलता है गाइस। सर्वर ऑनलाइन होना चाहिए तभी आप वहाँ पे कमांड दे सकते हो। आप गेम में से भी कमांड दे सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बस ऑपरेटर ही दे सकता है, बाकी दूसरा कोई दे नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मतलब गाइस, अभी मैंने बेडरॉक सेलेक्ट किया है गाइस, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है गाइस, मॉड है, फिर फैब्रिक है, तो आपको जो भी चाहिए गाइस आप उसमें सर्वर बना सकते हो गाइस। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स के भी ऑप्शन है गाइस जो कि आप उसमें यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर तो काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है गाइस, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लॉक का मतलब होता है गाइस, सर्वर के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई है, मतलब कौन कौन ज्वाइन हुआ है, फिर कब एग्जिट किया है उसने, वो सब आपको यहाँ पे लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाइस। तो गाइस यही कुछ सेटिंग्स थे गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है गाइस, और कुछ और सेटिंग्स है बट वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। तो बस आपको अच्छा सर्वर बनाने के लिए सेटिंग की जरूरत होती है गाइस, बट फिर भी गाइस अगर आपको कोई दिक्कत आती है सर्वर बनाने में गाइस तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
सो गाइज अभी मैं आपको माइनक्राफ्ट को ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर सर्वर किस तरह से आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अभी तो गाइज मैंने सर्वर को ऑन नहीं किया है, बट आप ऑन करके जो है इस तरह से माइनक्राफ्ट के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। गाइज मैं अभी ज्वाइन नहीं हूँगा क्योंकि मैं उस सर्वर के अंदर नहीं खेलने वाला। ठीक है, तो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करने गाइज, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो गाइज हम माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं गाइज, अभी बस मुझे प्ले के ऊपर क्लिक करना है। तो ये लोड हो रहा है गाइज थोड़ा। ठीक है, देखो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना गाइज, आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि सर्वर का ऑप्शन है गाइज। देखो इस सर्वर के अंदर जैसे ही आप आओगे ना गाइज, देखो यहाँ पे आपको टॉप पे ही दिखेगा कॉप्स स्काई नाम से, जो कि मैंने अभी सर्वर बनाया था गाइज वही आए। और बाकी मेरे सुपर कॉप SMP के सर्वर है गाइज, जो कि आप जो है यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो गाइज। अगर आपको भी SMP के अंदर ज्वाइन होना है तो बस आपको एक वीडियो का वेट करना गाइज, मैं उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सो चलो गाइज आज की वीडियो यही तरह रखते हैं गाइज। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं गाइज, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज, और कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगती है गाइज। और गाइज हाँ, अपने वीडियो को शेयर जरूर करना गाइज। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट में गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।